नमस्कार दोस्तों, लम अंतरा उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस उपाय की बात करने जा रहा हूँ वह इन दिनों सबसे ज़्यादा परेशानी चल रही है सभी के लिए। मित्रों, जैसा कि आज मैं जिस उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ वह अगर आपको कोई प्यार में धोखा देकर चला गया, आपको छोड़ कर चला गया, जी हाँ मित्रों, ये कॉमन सी बात होगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, आजकल धोखा मिल जाना, किसी को धोखा दे देना या धोखा मिल जाना, प्यार में धोखा मिलना, दोस्ती में धोखा मिलना और किसी भी रिश्ते में, पति पत्नी के रिश्ते में धोखा मिलना आम बात हो गया है मित्रों। हर किसी का, कोई कोई होते हैं जिसे हमें दिल से प्यार करते हैं या कोई हमें दिल से प्यार करता है, ऐसा कोई एक ही पर्सन होता है। लेकिन हम हर किसी का नेचर आजकल क्या होता है कि वह जल्दी से आप किसी पर भरोसा कर लेते हैं और वह आपके उसी विश्वास का फायदा उठाकर आपको धोखा देकर चला जाता है। और ऐसे में वह अपनी जीवन एकदम अच्छे से खुशी से जी रहा होता है लेकिन आप उसकी याद में, उसके प्यार में और उसकी उन्हीं बातों को याद कर करके तिल तिल के मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वह भी, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो, वह आपके प्यार को समझे और जिस तरीके आप तड़प रहे हैं वह भी तड़पे, मेरे आप तो अपने जीवन में तड़फ रहे हैं, रो धोकर अपने जीवन को निकाल रहे हैं और दिन भर खुद को क्षीण महसूस करते हैं, कोई भी कार्य में आपका मन नहीं लगता, लेकिन वह मजे से किसी अन्य के साथ आपको धोखा देकर खुश है और आप उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया था और उसे एहसास हो। आज अगर उसे आपकी बातों का, आपके प्यार का एहसास नहीं है तो इस वीडियो में मैं एक आज ऐसे काले जादू के तंत्र टोटके की बात करने जा रहा हूँ, तांत्रिक उपाय के, जिससे कि उसे एहसास होगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ आप उसे फिर से तड़पा देंगे, आप चाहेंगे तो उसे अपने प्यार को वापस ला सकेंगे जो धोखा देकर आपको गया। आप उसे तड़पाना चाहते हैं तो कीजिए। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा लम अंतरा उपाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके वे मंत्र बताएं। मित्रों, करना है क्या, आप किसी भी शनिवार या रविवार की रात्रि आप इस कार्य को कर सकते हैं, आप मंगलवार रात्रि को भी इस कार्य को कर सकते हैं। सप्ताह में ये तीन ही रात्रि ऐसी है जिस समय आप इस कार्य को कर सकते हैं। करना कैसे है मैं आपको बता देता हूं। आपको ये तीन, सप्ताह में तीन दिन है, मैंने बता दिया, रविवार, मंगलवार, शनिवार। शनिवार को आप करते हैं तो अति उत्तम रहता है। मित्रों, ये वीडियो मैं आपको पूर्ण बताऊंगा लेकिन विधि भी मैं लगभग पूर्ण करके बताऊंगा लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से नहीं करूंगा। हाँ, आपको इसके साथ साथ उपाय बता देता हूँ, मंत्र बता देता हूँ। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, घर से दूर जाना है, अपने घर से दूर किसी सुनसान जगह में आप रात्रि में चले जाएं। आपको जमीन पर इस कार्य को करना है, कोई भी आसन नहीं लगाना। मैंने नीचे आज इसीलिए आसन नहीं लगाया ताकि आपके समझ में आ सके। आपको काला या सफ़ेद चौक की जरूरत है, या तो काले रंग का कोयला ले लें, अगर आप शनिवार को करते हैं तो काले रंग का कोयला ही ले लें, ठीक है। सफ़ेद चौक इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके की तांत्रिक विद्या है, काला जादू विद्या है। अगर मैं अभी किसी कहीं करूँगा, अगर इसका गलत भी प्रभाव, लोग गलत भी प्रयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं आपके अनुरोध पे और आपके लिए इस विद्या को करने जा रहा हूँ। आपको इसकी जगह काला कोयला लेना है सफ़ेद चौक की जगह। आपको उसकी तस्वीर चाहिए जिसे आप तड़पाना चाहते हैं, एहसास दिलाना चाहते हैं। और आपको 5 लोई की मेख चाहिए, एक समान, एक जितनी होनी चाहिए, साइज एक बराबर होना चाहिए, 5 लोई की मेख चाहिए। आपको करना क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊँ। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश को और भगवान शिव को याद करना। भगवान श्री गणेश को अपने गुरु को याद जरूर करें, इस बात का खास ध्यान रखें। और भगवान श्री गणेश का जो मुख्य मंत्र है उसे भी आप उच्चारण कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना, नीचे जमीन पर ही इस कार्य को करना। आपको सर्वप्रथम एक गोल घेरा बना लेना है, बड़ा सारा गोल घेरा बना लें, ठीक है मित्रों। इसके अंदर इतना बड़ा गोल घेरा बनाना कि आप भी उसके अंदर बैठ सके। उसके बाद आपको इसके अंदर एक, बैठने के बाद जैसे कि आप यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं तो आपको एक चौरस चौरस डिब्बे का निर्माण करना है, इस तरीके से एक चौरस डिब्बे का निर्माण करना है। और मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इसके अंदर बीचों बीच आड़ी रेखाएं खींच देनी है और एक गोल घेरा बना देना है। पूरे ध्यानपूर्वक देखिए, बना देना है। और बना देने के बाद आपको उसकी तस्वीर बीचों बीच रख देनी है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री गणेश को और
भगवान शिव को याद कर लें और उसके बाद इन पांचों मेघों को एक समान लेकर अपने हाथ में ले आएं और मुट्ठी में बंद करके अपने गुरु को उसको याद करें। और उसके बाद जिस किसी के लिए भी आप तड़फाना चाहते हैं, जिसको एहसास दिलाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर इस पर 3 बार फूंक मारें। फूंक मारने के बाद आपको एक एक मेघ, यहाँ मेघ रख देनी, एक मेघ उठानी है और इसके ऊपर से घड़ी की दूसरी तरफ, घड़ी की दूसरी उल्टी दिशा 21 बार इसके ऊपर से घुमाना है और 21 बार ही मंत्र का उच्चारण करना। मंत्र में आपको बताते हैं तो मंत्र इस तरीके हैं, आस कीलूं पास कीलूं, कीलूं अपनी काया, जगदा मसान कीलूं, बैठी कीलूं छाया, ईश्वर का कोट ब्रह्मा जी की थाली, मेरे घाट पिंड का हनुमान वीर रखवाला। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करके इसके ऊपर से घड़ी की दूसरी तरफ घुमाकर आप इस कोने पर रख दें। इसी तरीके से फिर से आप इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करके घड़ी की दूसरी तरफ घुमाकर 21 बार इस तरीके से रख दें। फिर इसी तरीके से आपको तीसरी में कहने के साथ करना है, 21 बार घुमाना है, 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है, फिर 21 बार फिर से मंत्र का उच्चारण करके इस कील को आपको याद रखना है। जो जिस दिशा में जेब होती है, व्यक्ति का दिल होता है, हार्ट होता है, यानी कि बाईं ओर आपको इस मेघ को यहाँ गाड़ देना है। हैमर की लोहे के हथौड़े से ही आपको इसे गाड़ना है। आप इसे गाड़ दें इस मेघ को, फर्ज है मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक और इन चारों कीलों को, इन चारों कोनों में सर्वप्रथम आपको गाड़ना है। जैसे कि आपने 21 बार घुमाया, इस कील को यहाँ रखा और हैमर की सहायता से गाड़ दिया, फिर इसको ऐसे किया, फिर गाड़ दिया और इसको गाड़, इस गाड़ने के बाद आपको इसको इसके बाएं तरफ यहाँ गाड़ देना है। मित्रों इस कार्य को आपको मात्र एक ही रात्रि में कंप्लीट करना है और बिना किसी को बताए करना है। मित्रों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मात्र 3 दिन में वे व्यक्ति तड़प उठेगा और अगर उसने आपको धोखा दिया, दगा किया आपके साथ, तो वह तड़पता हुआ आपके कदमों में आकर माफ़ी मांगेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन आपसे हाथ छोड़कर निवेदन है, ये काला जादू प्रक्रिया तांत्रिक विद्या है, कृपया अच्छे के लिए करें, भले के लिए करें। ठीक है मित्रों, इस बात का खास ख्याल रखें, सावधानी रखें और जिस दिन ये कार्य करें उस दिन शराब मांस का सेवन न करें, ना शारीरिक संबंध बनाएं। मित्रों अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं या इसके अलावा आपकी कोई परेशानी है, उससे जूझ रहे हैं, आप निवारण चाहते हैं, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।